नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। सूबे में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर जो है 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन किया गया है। और लॉकडाउन के दौरान जो है बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है, और कुछ सेवाएं ऐसी हैं जिसे लॉकडाउन से बाहर रखा गया है। जो लॉकडाउन को लेकर जो है लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए भागलपुर शहर में भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मुस्तैद खड़ी है। आप देख सकते हैं किस तरह से भागलपुर तिलका मांझी चौक का यह नज़ारा है, जहां पर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन जो है वाहनों की सख्ती से जांच कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, और लॉकडाउन को प्रभावी रूप से लागू कराने को लेकर जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन मुस्तैद खड़ी है। हम आपको बता दें कि सूबे में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा था, जिसको लेकर भागलपुर शहर में बीते दिनों रिकॉर्ड 125 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए थे, जिसमें से 33 मामले शहरी क्षेत्र से थे, जिसमें से दारोगा, स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी सहित बहुत सारे लोग जो है शहरी क्षेत्र से कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद शहर में हड़कंप मच गया था। और फिर जो है राज्य सरकार जो है सूबे में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए लॉकडाउन का फैसला लिया गया था। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान जो चीज़ें प्रतिबंध रहेगी, जिन चीज़ों पर प्रतिबंध रहेगी कि राज्य की जो सीमाएं हैं वो सील कर दी जाएगी, बसों का परिचालन जो है वह नहीं होगा, केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालय पूरी तरह से बंद रहेंगे, राजनीति, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियाँ बंद रहेगी, पार्क और धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शोरूम, गैर जरूरी दुकानें जो है वो बंद रहेगी। और क्या चीज़ों पर प्रतिबंध नहीं है वो हम आपको बता दें, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डा के लिए वाहन ऑटो कैब पर रोक नहीं रहेगी, राशन, फल, सब्जी, मीट, मछली की दुकानें खुली रहेगी, और जो है रेल हवाई सफ़र पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, मेडिकल सेवाएँ जारी रहेगी, मीडिया कर्मी और पुलिस कर्मी की जो गाड़ी है वो सड़क पर दौड़ती हुई नज़र आएगी, बैंक एटीएम खुले रहेंगे, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सिंचाई, खाद वितरण विभाग, पशुपालन विभाग जो है इनको लॉकडाउन से जो है बाहर रखा गया है। उसके साथ ही निर्माण से संबंधित जो गतिविधियां हैं वो जारी रहेगी, सरकारी सेवकों को निजी वाहन की अनुमति दिखानी होगी, आईडी कार्ड और मास्क और हेलमेट अनिवार्य किया गया है। तो देख सकते हैं कि शहर में जिस तरह से कोरोना संक्रमण का मामला जो सामने आ रहे हैं, इसको लेकर जो है आप देख सकते हैं कि शहर में ये तिलका मांझी चौक का नज़ारा है, और जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से लॉकडाउन को प्रभावी रूप से लागू कराने के लिए मुस्तैद खड़ी है। आप देख सकते हैं यह नज़ारा कि किस तरह से पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन जो है लॉकडाउन को प्रभावी रूप से लागू कराने को लेकर मुस्तैद खड़ी है। जो लोग बाहर घर से बेवजह बाहर आ रहे हैं उससे पूछताछ कर रही है, बिना मास्क जो है पहने लोगों से पूछताछ कर रही है। हम आपको बता दें कि जो ऐसे लोग जो कि अपने दफ्तर के लिए जाते हैं, जिनको कि छूट दी गई है, जिसको कि लॉकडाउन से बाहर रखा गया है, उसको आईडी कार्ड दिखाना जरूरी हो गया है। सिल्क टीवी भी आपसे अनुरोध करती है कि आप बेवजह घर से बाहर नहीं निकलें, जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन की सहयोग करें, ये हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कोरोना से लड़ने के लिए, एक किसी एक की जिम्मेवारी नहीं है, हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। ऐसे में जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन की आप सहयोग कीजिए, बेवजह घर से बाहर मत निकलिए। बार बार मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ कि बेवजह आप घर से बाहर नहीं निकलिए। शहर में कोरोना का जो है वो विस्फोट हो गया है, आए दिन रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में आपका घर पर रहना और अपनों का ख्याल रखना बेहद ही जरूरी हो गया है। सिल्क टीवी से विकास सिंह सुमित राज के साथ।